व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। यार आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जिसको देख के आप लोग खुद ही कहोगे वाह भाई आपने मौज कर दी, बिकॉज अपनी जो एडिटिंग है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट को मैंने क्रिएट किया है, जैसे कि पीस, सैडनेस, मनी प्रॉब्लम, डिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अपने रियल लाइफ से ही रिलेट करती है। और ये सब चीज़ें अपने मिडिल क्लास फैमिली वालों को कभी ना कभी फेस करने को मिलती ही मिलती है। तो यार अपनी एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव होने वाली है, और जब भी आप लोग इसको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो अपने सब फोटो से ये काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेगी, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस टाइप की जो एडिटिंग है वो आप लोग काफ़ी इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में कर लोगे। आप लोगों ने पिक्सआर्ट ऐप में आना है, और आने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। मैं इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा सबका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेंशन मत लेना, ओके। एंड अपने पिक्सआर्ट में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से गैलरी के अंदर जाना है, और मैं स्टॉक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसको ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके अपने बैकग्राउंड के टॉप पे लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। देन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम करके देख सकते हो आपको जो भी मतलब सेट करने के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी एडजस्ट करना है, तो मैं अभी 54 रख लेता हूँ। उसके बाद अपने इरेजर टूल पर आएंगे, और आने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से इरेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हार्डनेस को हम लोग इंक्रीज ही कर देंगे, कम नहीं करेंगे, और साइज़ को भी 50। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोग जस्ट इरेज करेंगे, ओके। और इतना इरेज करने के बाद उसके बाद हम लोग हार्डनेस को एकदम माइनस कर देंगे, और साइज़ को भी थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे। मैं 37 के आसपास रख लेता हूँ। उसके बाद हल्के हाथों से हम लोग कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को मर्ज करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हार्डनेस को इंक्रीज़ करूँगा और साइज़ को माइनस करूँगा, ओके। साइज़ ज़्यादा माइनस हो गया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूंगा मैं, और कुछ इस तरीके से हम लोग माइनस करेंगे। और जस्ट गाइज आप लोगों ने यहाँ पे इरेज़ कर लेना है, ओके। और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, फिर इसकी जो ओपेसिटी है आप लोगों ने इंक्रीज़ कर लेनी है, ठीक है, 90 के आसपास रख सकते हो। और अपना बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओके। और उसके बाद आप लोगों ने फिर से गैलरी के अंदर जाना है, और गैलरी के अंदर आओगे तो यहाँ पे मैं आपको एक रेनबो की PNG दूंगा, तो उसको ऐड करना। ऐड करने के बाद आप लोग अपने बैकग्राउंड पे जस्ट कुछ इस तरीके से बड़ा करके, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना, तो मैं करके दिखाता हूँ। और इसकी जो ओपेसिटी है आप लोग 37 के आसपास रख सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत रखना, तो मैं 36 रख लेता हूँ। एंड काफ़ी मतलब मैचिंग हो रहा है एंड रियल इफेक्ट दे रहा है, तो इसकी ओपेसिटी ज़्यादा मत करना, ओके। और यहाँ से आप लोगों ने फिर से गैलरी के अंदर आना है, और आने के बाद मैं यहाँ पे एक बोट की PNG दूंगा, तो उसको ऐड करना। और इसको गाइज मैंने शैडो को पहले मेंटेन कर लिया है ताकि काफ़ी अच्छा शैडो लगे और झिलमिल झिलमिल लगे जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि इसका शैडो पहले वाटर में बन चुका है, ओके। और यहाँ से आप लोगों ने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, और डुप्लीकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको डुप्लीकेट करके थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना ताकि ये लगे कि पहले नाउ यहाँ से चले गए, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने राइट पर क्लिक कर देना ताकि जो आपने PNG ऐड करी है वो हिल ना जाए, भाई मिस्टेक कई बार हिल जाती है तो ऐड करने में फिर से प्रॉब्लम होती है, ओके। और यहाँ से आप लोग फिर से गैलरी के अंदर आना, और जो भी आपको मॉडल रखना हो अपना उसको ऐड करना, और उसका कटआउट आप लोग निकाल लेना। अगर आप लोगों को नहीं आता कि कटआउट कैसे निकालते हैं तो उसका लिंक भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से सीख लेना कि मॉडल को कैसे HD तरीके में कटआउट निकालते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड पे प्रॉपर सेट करेंगे, और इसका शैडो मैंने पहले मेंटेन कर लिया है, ओके गाइज। अगर आप लोगों को शैडो मेंटेन करना नहीं आता तो मैं एक विग्निटी की PNG दे दूंगा, तो उसको ऐड कर लेना। और फिर हम लोग अपने गैलरी के अंदर आएंगे और यहाँ पे देख लेते हैं अपनी कौन सी PNG रह रही है, तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अभी अपनी लाइट वाली PNG को ऐड करने रह रही है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। और हम लोग यहाँ पे एक सन क्रिएट करेंगे, मतलब सूरज की लाइट की किरणें ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले PNG को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इसको लाइट मतलब स्क्रीन कर देना, और कुछ इस तरीके से बड़ा करके अपने यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट करना ताकि ये लगे कि अपनी लाइट आ रही है, मतलब सूरज की रोशनी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेज भी दूंगा जो कि काफ़ी रियल टाइप की लगेगी, तो उसको भी ऐड करना है आप लोगों ने। सो गाइस मैंने अपनी रेज वाली PNG को भी ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप करूँगा, तो आप लोग फ्लिप रोटेट पर आके थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके अपने यहाँ पे एडजस्ट करना ताकि ये लगे कि अपनी जो सूरज की रोशनी है किरणें अपने मॉडल पे भी आ रही है, ओके। और इसकी ओपेसिटी आप लोग कम ज़्यादा करके देख सकते हो, तो आप लोग 85 कर लेना, मैंने भी उतना ही रख लिया है, ओके। और यहाँ से मैं राइट पे क्लिक कर दूंगा। सो गाइस अपना जो पिक्सआर्ट का वर्क है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट अपनी जो कलर ग्रेडिंग का वर्क है वो रह रहा है थोड़ा सा, और अभी अपनी फ़ोटो देखने में उतनी बढ़िया नहीं लग रही है। जब हम लोग इस फोटो को लाइटरूम के अंदर एडिट करेंगे तो अपनी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है,
तो अभी अपना सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक कर देना और अपने फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेना। सो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने लाइटरूम ऐप में और यहाँ पे हमारे कुछ कलर ग्रेडिंग का वर्क रह गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों की एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट मेरे बताए हुए कलर ग्रेडिंग आप लोग रखती हो, तो आपकी जो एडिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। वैसे ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आप लोग भी बोलते होंगे क्या यार डेली डेली बोलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सन वाले टूल के अंदर आना है, ओके, और एक्सपोजर का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो। बिकॉज गाइज मैं इसका प्रीसेट पता है आप लोगों को क्यों नहीं देता, क्योंकि आपकी डिमांड रहता है कि यार प्रीसेट हमको मत दो। अगर आप लोग प्रीसेट देते हो तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से पिक में किस टाइप की कलर ग्रेडिंग होती है एंड कितना कितना अमाउंट रखना पड़ता है, तो आप लोग की डिमांड नहीं होती प्रीसेट की, तो मैं इसीलिए नहीं देता हूँ। अगर आप लोग बोलोगे प्रीसेट के लिए तो मैं वो भी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना एंड यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना है क्योंकि हमको कलर ग्रेडिंग यहाँ पे सबसे बेस्ट देना है, ओके गाइज। तो आप लोग देख सकते हो, उसके बाद आप लोगों ने अपने थर्मामीटर के टूल पे आना है और आने के बाद यहाँ पे एक टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो अभी अपने बैकग्राउंड से ये काफ़ी मिलता जुलता कलर ऐड होएगा, और उसके बाद टिंट को भी हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, तो थोड़ा सा पिंक टोन अपने फोटो के अंदर अप्लाई होगा। तो आप लोग इसको 30 या 31 के अराउंड रख सकते हो और वाइब्रेंस को भी इंक्रीज़ कर देना। फिर सैचुरेशन मिलेगा, तो इसको आप लोग 4 या 6% माइनस कर सकते हो, तो मैंने 6 कर लिया है, ओके गाइस। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग यहाँ पे धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। एंड इतना वर्क करने के बाद हम लोग अपने मिक्स टूल के अंदर जाएंगे, मिक्स कलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे कलर मिलेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने लास्ट कलर पे आना है और इसके सैचुरेशन को आप लोगों ने हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है 15 के अराउंड, और ल्यूमिनस को भी इंक्रीज़ कर लेना, ओके। और अपने ऑरेंज कलर पे आना और इसको सैचुरेशन को माइनस कर देना, थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर लेंगे, तो मैंने कर लिया। इससे अपने मॉडल का फेस पे अच्छी खासी चमक देखने को मिल जाएगी एंड फेस काफ़ी अच्छा खासा ब्राइटनेस हो जाएगा। और यहाँ पे येलो कलर पे आना है और सन रेज यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे, तो ह्यू पे आना है, इसको इंक्रीज़ कर देंगे और सैचुरेशन को माइनस करके ल्यूमिनस को भी माइनस कर लेंगे। तो आप लोग ब्लू कलर पे आना है और आने का सैचुरेशन को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है और ल्यूमिनस को माइनस कर देना है, तो मैं 12 या 13% के आसपास रख लूँगा, ओके गाइस। इतना वर्क करने के बाद आपको डन कर देना है, मिक्स टूल के अंदर आना है और आने के बाद थोड़ा सा टेक्सचर को भी इंक्रीज़ कर लेना, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, आप लोग 15% रख सकते हो, और थोड़ा सा क्लियरिटी दे देंगे, इससे मतलब फ़ोटो और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, और डेज को आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो, और थोड़ी सी अपनी फ़ोटो में विग्निटी हो जाएगी तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ओके। और यहाँ पे आप लोग 4 या 3% ग्रेन इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने 3 कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रायंगल टूल पे आना है और शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेन का इफेक्ट और यहाँ पे क्लियरिटी दे दिया था, तो आप लोग 32 के आसपास रख सकते हो। उसके बाद मास्किंग को इंक्रीज़ कर देना और इसको आप लोग ऐसे इंक्रीज़ कर देना 46%, ओके। और यहाँ से कलर नॉइज़ को इंक्रीज़ कर देना। गाइज आप लोगों ने यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन इंक्रीज़ करना ही करना है, बिकॉज जितना भी अपना नॉइज़ होगा फेस पे एंड बैकग्राउंड पे वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग 35% रख सकते हो। उसके बाद कलर नॉइज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना, ओके 23%। उसके बाद स्मूदिंग को इंक्रीज़ कर देना, डन गाइज। अभी आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, ओके, और काफ़ी अच्छा कलर टोन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले प्रोफाइल के अंदर आना है और बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जो इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा वही अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक आर्टिस्ट 8 नाम का इफेक्ट मिलेगा, इसको हम लोग अपने पिक के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोगों ने इसके अमाउंट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देना है, तो मैं 107 रख लूँगा और उसके बाद राइट पर क्लिक कर दूंगा, ओके गाइस। बट अभी जो अपनी एडिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है, आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, अभी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और गाइस अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं बाद में इसका प्रीसेट भी दे दूंगा, तो आप लोग जस्ट इसको एक क्लिक में ही अपनी कुछ इस टाइप की कलर ग्रेडिंग को अप्लाई कर सकते हो, ओके गाइस। अपना सारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इस फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल गया हो तो ही कर लेना, कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। और गाइस आज मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार, कम से कम 15 बार मैंने इस वीडियो को डिलीट करा है एंड फिर से शूट किया है, काफ़ी मिस्टेक भी होती है मेरे से, ठीक है। तो गाइस अपना सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अपनी नई वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे ट्यूटोरियल के साथ।